साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता विनय मिश्रा और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह जागरूकता अभियान 11 जुलाई से 24 जुलाई यानी कि एक पखवाड़े तक चलेगा। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया स्वास्थ्य कर्मी और बुद्धिजीवी वर्ग ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से लोगों को जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में जानकारी दी गई। किस प्रकार भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया, जो आने वाले समय के लिए कई गंभीर समस्या भी साथ ला सकते हैं। ऐसे में हमें जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपना कर खुशहाली लानी चाहिए। और यही कारण है ये सही व्यक्ति की पहचान और सही व्यक्ति जो होगा वही कर पाता। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी को। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम की बात है, विश्व जनसंख्या दिवस पर हमारे सिविल सर्जन साहब ने आपको डिटेल्स बताया है, मैं इतना ही इसमें बात करना चाहूँगा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर इतनी सोचने की व्यवस्था उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं ईश्वर ने अगर यह प्रकृति में सब कुछ बनाया है तो उसका एक लिमिटेशन है। और जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पर, अगर उसने इस नेचर को सबसे डिस्ट्रक्ट करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो हम सब मानव। कहा जाता है कि समाज सोसाइटी का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन इस पूरे नेचुरल रिसोर्स को अगर बहुत ज्यादा कोई क्षति पहुंचाता है तो वो मानव पहुंचाता है। या तो भाई बना, इसमें तो कोई दाग नहीं है। एक तलवार लटकी रहती है कि हम काम नहीं करेंगे तो हम दंडित हो जाएंगे। यह भय जब तक कभी इसी छात्र को परीक्षा का भय नहीं हो तो वह पढ़ता नहीं है। और वैसे ही हम लोग को भी जब पत्रकारिता करते हैं तो मुझे टास्क मिलता है कि आप सुरेश जी शास्त्र समाचार आज भेजने हैं आपको, तो माथा सेट रहता है कि जल्दी से चाहिए। आपको भी एक टास्क मिलता है कि आज इतना बंध्याग्रहण कराना है, आज ये कराना है, तो हम काम जरूर जा सकते हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है उसे बोलना चाहिए। एक बार मुसोलिनी ने कुछ खिलौने अपने सेनाओं के बीच में बांटे, लोगों को उसके विरोधियों ने हंसी उड़ाई कि मुसोलिनी ने कुछ खिलौने बांटे हैं, लेकिन वह खिलौने नहीं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।